भाइयों और बहनों, देश के हर बेघर के पास अपना घर हो, हम इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन यहां यूपी में योगी जी के आने के पहले जो सरकार थी, जो खुद को समाजवादी बताते हैं, लोहिया जी का नाम बीच में 10 बार लेते हैं, लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने गरीबों के घर बनाने की चिंता नहीं की। और ध्यान देते भी कैसे, वो तो सारा ध्यान अपने बंगले पर दिए हुए थे। हम दिल्ली से चिट्ठियां लिखते रहे कि जिन गरीबों के लिए घर बनवाने हैं उसकी लिस्ट भेज दिए, लेकिन वो अपने बंगले को विदेशी टाइलों, विदेशी फर्नीचर के उसके सजाने में जुटे थे। और हां, टोटियां भी तो सुना है बहुत शानदार लगवाई थी, जनता की गाढ़ी कमाई से, मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई से, यूपी के ईमानदार टैक्स पेयर की कमाई से, चुन चुन अपनी पसंदीदा टोटियां खरीदी गई थी। तो साथियों, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, हर बेघर के लिए घर बनाने की लिस्ट मांग रहे थे, वो हमें टालते रहे। वो तो अच्छा हुआ कि आपने सबने मिलकर ये योगी जी की सरकार बनवा दी, वरना हम अब भी चिट्ठियां ही लिखते रहते। साथियों, योगी जी की अगुवाई में अब यहां घर बनाने की गति तेज हुई है। घर भी ऐसे जिसमें बिजली का कनेक्शन है, दूधिया बल्ब है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, शौचालय है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक घर गरीबों के लिए बनाए गए हैं। और जिनको अभी तक घर नहीं मिले हैं उनको भी जल्द ही मिलेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। क्योंकि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, हम इस संकल्प पर काम कर रहे हैं।